नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। G20 के अंतर्गत अर्बन डेवलपमेंट के कार्यों पर चर्चा करने के लिए U20 सम्मेलन इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आज हुआ, जहां देश के कई शहरों के चुनिंदा महापौर और डेवलपमेंट से संबंधित ऑफिसर मौजूद रहे। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की ब्रांडिंग अलग अलग तरह से लगातार हो रही है, जहां बेंगलुरु दिल्ली के बाद अब इंदौर में आज U20 सम्मेलन आयोजित हुआ। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने देश के 30 चुनिंदा शहरों के 30 महापौर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की अगवानी की और स्वागत किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की महापौर माधुरी पटेल ने सम्मेलन में इंदौर शहर की स्वच्छता की जमकर तारीफ की। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेयर की कुर्सी में कांटे लगे होते हैं, जिसे हम गुलाब समझकर सहन करते हैं। उन्होंने कहा कि वो विदेश भी हाल ही में घूमकर आई थीं, जहां की सबसे अच्छी सड़कें देखीं। उसी तरह इंदौर की सड़कें भी उन्हें साफ स्वच्छ कांच की तरह लगती हैं, जो सभी को आकर्षित करती है। भोपाल की महापौर मालती राय ने भी राजधानी भोपाल में सफाई के कार्यों सहित सोलर पैनल के प्रोजेक्ट पर हो रहे कामों की जानकारी दी। बताना चाहेंगे कि U20 सम्मेलन में जो भी चर्चाएं होंगी, चाहे वो लोकल स्ट्रेंथ, डिजिटलाइजेशन, अर्बन प्लानिंग पर चर्चा हो, इन सभी की रिपोर्ट बनाई जाएगी और आज की चर्चाओं को अहमदाबाद में होने वाले G20 के फाइनल कार्यक्रम में रखेंगे। इंदौर के विजयनगर में आयोजित हुए U20 सम्मेलन में 200 से अधिक मेहमान शामिल हुए। अर्बन डेवलपमेंट के तमाम मुद्दों पर सम्मेलन में मुख्य रूप से चर्चाएं हुई। भारत के पास रहने वाले उस G20 की चेयर में 2018 में अर्बन 20 भी जुड़ा था, जिसकी पहली समिट ब्रूनेस एरिस में हुई थी और उसके बाद से लगातार G20 की मीटिंग्स में अर्बन 20 का अपना अलग महत्व है, क्योंकि देश के दुनिया के ऐसे 20 देश जो दुनिया की लगभग 70% आबादी अपने में समेटे हुए हैं और वो सभी आबादी कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। भारत को भी देखें तो आने वाले 2050 तक 50% जनसंख्या हमारी शहरों में होगी। इसलिए सुनियोजित ढंग से शहरों का विकास कैसे हो, इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अर्बन 20 की चेयर की मीटिंग अहमदाबाद में हो, उसके पहले बेंगलोर में, दिल्ली में और इंदौर में उनके जो प्रमुख विषय हैं उन पर चर्चा की। और जैसा आपका प्रश्न है, उसमें से एक विषय जो है वो है चैंपियनिंग लोकल आइडेंटिटी। हर शहर की अपनी कोई एक आइडेंटिटी होती है, उसका एक परिचय होता है, उसकी अपनी एक ताकत होती है। तो वैसे तो इंदौर की तो आज के इस U20 की मीटिंग में लगभग 250 डेलीगेट्स दिन भर अलग अलग तीन विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि करीब देश भर से 16 महापौर या स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन, 80 ऑफिशियल डेलीगेट्स और ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डेलीगेट्स, ऐसे करीब 200 लोग अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे और दिन भर में 300-350 लोग अलग अलग सत्रों में रहकर, और इस U20 की मीटिंग का जो निचोड़ होगा, आज का जो सार निकलेगा, उसको G20 के डिस्कशन में भी शामिल किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट जो G20 में जाएगी उस पर भी उसको शामिल किया जाएगा। अब सर, इसमें जो मेयरों को आमंत्रित किया गया है, सामान्यतः चूंकि मध्य प्रदेश में तो जितने महापौर थे उन सबको तो आमंत्रित किया गया था, लेकिन देश भर में इन विषयों के अध्ययन पे या इन विषयों को लेकर जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग विषयों पे अन्य लोगों को अलग अलग समय पर बुलाया गया है, तो ऐसे मेयर्स, ऐसे कमिश्नर, ऐसे स्मार्ट सिटी के CEO जो सामान्यतः इन तीन विषयों पे किसी ना किसी कारण से या तो काम कर रहे थे या उनके शहरों में या उनकी नगरीय निकायों में इन विषयों पे काम हुआ है, उनके अनुभव सुनने के लिए और डिस्कशन के लिए उन लोगों को बुलाया गया था। तो लगभग 25 राज्यों से आज प्रतिनिधित्व है, चाहे वो ऑफिसर के माध्यम से हो या जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो। देखो, कोई ऐसा महापौर को कोई, देखो भाई, जो खुर्ची पर बैठा है उसके लिए तो कांटे रहते हैं, वो कांटे वाली खुर्ची रहती है तो ही तो महापौर बैठता है, और हमारे में ऐसी कैपेसिटी है कि वो कांटों का हम सहन करते हैं, गुलाब का फूल समझ के सहन करते हैं। अब विरोधी जो रहते हैं वो तो आज ने कल, अब जैसा अभी इंदौर में आया कि कांग्रेस ही बोल रहे हैं फिजूल खर्ची है। अब जो सीखने को मिलता है, वो सीखने का जिसमें रुतबा हो, जिसमें समझ हो,
वो सीखने का नहीं है, और अलग कोई बात तो हर सिटी में चलती है, उसमें हम ध्यान नहीं देते। हम कभी ध्यान दे तो हम काम ही नहीं कर पाए। कितने मॉडल को आप लोग एडॉप्ट कर रहे हैं दूसरी निगमों में, इंदौर की कितनी अच्छी चीजों को दूसरी जगह? एक तो मैं साफ सफाई के लिए इंदौर से सीखने वाली हूँ बहुत सारा, ताकि हम अभी हमारे सभी पार्षदों को और हमारी जो पार्षद में टीम है उन सबको यहाँ इंदौर में लाने वाले हैं। हम अभी महापौर जी से बैठकर बात भी करेंगे उसके लिए सफाई। मेरे को इंदौर सिटी में आने के बाद ऐसा लगता है कि इंदौर नहीं कोई विदेश में आकर पहुंची हूँ। अभी मैं पेरिस जाकर आई थी तो ऐसा ही लगता था कि कांच की सड़कें हैं, तो कांच की मतलब स्वच्छ सड़क। तो ऐसा इंदौर सिटी में आने के बाद मेरे को लगा तो मैं इंदौर से ये सीख कर जाऊँगी और ग्रीन इंदौर, सुंदर इंदौर ये सीख कर जाऊँगी। फरवरी के अंदर G20 अंतर्गत U20 का समिट, पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए थे, और जो 6 पॉइंट पे जो चर्चा हुई उसमें 6 पॉइंट पूरे दुनिया के महानगरों को स्पर्श करता हुआ। आने वाले 30 या 50 साल के अंदर ड्रेनेज का प्रॉब्लम होगा या पानी का प्रॉब्लम, जो भी नई नई समस्या इस महानगरों चारों ओर से डेवलप हो रहे हैं, और गांव की आबादी अब शहरों में ज़्यादातर जा रही है, और चारों ओर से डेवलप होने वाले शहरों में पूरा कॉमन पूरे वर्ल्ड का नहीं है कि ये मात्र ये हिंदुस्तान का शहरों की समस्या नहीं, पूरे दुनिया की, और सब शहर के लोगों ने, दूसरे कंट्री के लोगों ने भी उनके बात मशवरा किया, अपनों ने किया पूरे हिंदुस्तान के, और इसके अंतर्गत जितने पॉइंट थे उसमें से 6 ऐसे कॉमन पॉइंट निकले जो पूरी दुनिया को स्पर्श करते थे, उनको टच करते थे। तो इसके अंतर्गत G20 जब आगे बढ़ रहा है, तो आज मैं इंदौर के हमारे मेयर साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज ये समिट रख के, और आज अखे दिन जो चर्चा चलेगी क्या क्या, वो आगे हमारे G20 के अंदर जुलाई के अंदर अहमदाबाद के अंदर होने जा रहा है G20, तो मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, और ये जो तजुर्बा होगा कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, नई जानकारी मिलेगी, नया एक्सपीरियंस होगा, वो पूरे सबके लिए, दूसरे शहर वाले क्या कर रहे हैं, हमारी सिटी क्या कर रही है, दूसरे कंट्री में सिटी में क्या हो रहा है, तो कुछ नई नई बातें नई जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए मैं हमारे भार्गव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। देखो जैसा शहर है उसको वैसा ही उसको ढालना पड़ता है, वैसा हमको काम करना पड़ता है। हमारा ये हेरिटेज सिटी तो है, पर वहाँ पर ऐसी आबादी के कारण पूरा अतिक्रमण हो चुका है, अतिक्रमण के कारण भी हम काम करने में बहुत अक्षम होते हैं, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और नवा यहाँ से हम जो भी सीख कर जाएंगे वहाँ हमारे सिटी में हम काम करते रहेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।